होशियार सिंह के बीजेपी में आते ही जिस बात की आशंका थी वही हुआ। बीजेपी दफ्तर पर ताला लटक गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समर्थक बीजेपी नेता रमेश धवाला को पार्टी कार्यालय में जाने से रोका गया। ताला तो उन्होंने लगाया होगा जो मतलब उसके मतलब जिले के पदाधिकारी हैं या कोई जिम्मेवार आदमी है उन्होंने लगाया होगा ताला। हमें तो पता नहीं, जिला अध्यक्ष की पार्टी की कोई ऑफिशियल नहीं, जिला अध्यक्ष के आदेश के अनुसार थोड़े होने। ये जिला अध्यक्ष ने लड़ना इलेक्शन, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन लड़ना है। जिला अध्यक्ष बना देगा को खुदा नहीं बन गया वो, ठीक है ना। वो क्यों लाया ताला उसने, तो ये कार्यकर्ता आए थे। कार्यकर्ता जो है वो अपना मन मुटाव घर में भी होता है, तो अपना मन मुटाव जो है वो यहाँ दिखाने के लिए आए थे और बताने के लिए आए थे। तो इन्होंने को किसी की कोई किसी को गाल नहीं निकाली, किसका अपमान नहीं किया। उन्होंने अपनी अपनी दास्तान जो है वो सुनाई है। लेकिन जिला दस नाउ इज कस्टोडियन ऑफ देरा जिला, और उसकी इतनी वेटलिटी है कि उसने ताला लगा दिया वहां था ऑफिस में, जहां इतने 7 करोड़ रुपए हमने दिया है वहां पे, पैसे सभी ने दिए हैं या पार्टी ने दिए हैं, तो उसकी क्या हिम्मत थी उस गेट पे ताला लगा देता। वो उससे भी निपटेंगे अब, उसने करनी है वर्करी, इन्होंने करनी है जो कार्यकर्ता आए हैं बूथ स्तर के, उसने करनी है। उस गांव से वह मैं देखता हूँ कितने वो एक गांव दे देते हैं उसको जब वर्करी कर जा करके। ऐसे हमारे सिर के ऊपर है ऐसे ऐसे मतलब जो बंदे थोप दिए, जो आपके सामने कल क्या क्या नहीं बोल रहे थे, किसने अधिकार दिया उनको, वो उन्होंने उकसाया उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है, हम शरीफ भी हैं और ऐसे ऐसे लोगों के ना मित्र भी हैं, और हम उनको तमाशा दिखाने वाले भी हैं। ये बन गए तो कोई जुर्म नहीं होया, अभी तक अध्यक्ष ही बने हैं, मेले बन के दिखाओ जरा शिहार सिंह के वफादार बन गए। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला जी ने एक टिप्पणी की जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला अध्यक्ष कौन होता है पार्टी के कार्यालय को ताला लगाने के लिए। जिला अध्यक्ष पार्टी का कार्यालय का मालिक नहीं है, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। जिला अध्यक्ष इज कस्टोडियन। पार्टी के कार्यालय में जो पिछले दिनों हेलमेट्स वितरण हुए, उन हेलमेट्स के वितरण को लेकर बथेरी हमारी मीडिया में जग हसाई हुई। कुछ लोग हेलमेट्स उठा कर ले गए, वहाँ पे ताले नहीं थे, दरवाजे नहीं थे। हमने उस दरवाजे परसों हमने शिमला बात की और शिमला से परसों एक टीम आई थी, उस टीम ने नीचे भी एक बड़ा दरवाज़ा लगाया। उस बड़ा दरवाज़ा लगाने के बाद वहाँ पे पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, पानी का एक भी नलका नहीं है वहाँ पे कार्यालय में लगा हुआ। पानी के नलके के लिए हमने अप्लाई किया, हमें अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। बिजली जो हमारी टेम्परेरी फेस पे चल रही है, तो हमने उस इतने गंदे वहाँ पे टॉयलेट्स हो गए थे। अनुराग जी का कार्यक्रम था, उस दिन भी टॉयलेट्स गंदे थे, इतनी स्मेल थी अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने और निर्मल जी ने उस टॉयलेट्स को खुद साफ़ किया, और ख़ुद साफ़ करने के बाद हमने उस टॉयलेट्स को साफ़ करने के बाद हमने वहाँ पे कल रात ताले लगाए वहाँ पे लड़का रखा है। यदि किसी ने वहाँ कोई बैठक करनी थी, माने धवाला जी ने वहाँ कोई बैठक करनी थी या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ कोई बैठक करनी थी, तो मुझे बोलते, मैंने उनको खोल देना था और उनको बोल देना था कि भाई इसको खोल दिया, आप सफाई कर देना और सफाई करके आप कार्यालय को ठीक रखना, क्योंकि ये कार्यालय संजीव कुमार शर्मा का अकेला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते इस कार्यालय की देखरेख का मेरा जिम्मा है।